सर, ये सवाल आपने ऐसा कर दिया है कि हर व्यक्ति जानता है मेन स्ट्रीम मीडिया वो दलाल है। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, थोड़ी जवान कड़वी है ये, वो दलाल है। अगर लाखों की तादाद में भी बहुजन आ जाएंगे तो ये लोग नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर ये पांच चंद मनुवादी भी आ जाएंगे ना तो उनके तलवे चाटने के लिए पहुँच जाएंगे। तुगलकाबाद संत रैदास के मंदिर को लेकर प्रोटेस्ट, और मंदिर के प्रोटेस्ट के बाद में बड़ी तादाद के अंदर प्रदर्शनकारियों को जेल भेज देना, इसी मामले पर जानकारी लेना चाहेंगे। और फिलहाल जो लोग इस वक्त जेल में, उनके परिवारों का क्या हाल है, हम बात करना चाहेंगे। जी, अपना पूरा तारुफ दें। मेरा नाम सरदार बलविंदर सिंह है और एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर मैं काम करता हूँ, और साथ में ये जो केस है, इसके 48 लड़कों के केस मैं इस समय हैंडल कर रहा हूँ। जी बलविंदर, आप जो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं, इस मामले को आप देख रहे हैं, शुरुआत से देख रहे हैं, और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, फिलहाल जो लोग अभी जेल में हैं उन लोगों की क्या हाल? सर देखिए, जेल के बाहर उनके परिवारों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बद से बदतर है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। क्योंकि कुछ तो लीडर तो चले गए, उन्हें तो नेता बनना है, लेकिन जो आम आदमी थे, जो सिर्फ रैदास, जो रविदास जी का जो गुरु स्थान था उसे पाने के लिए आए थे, और जिनका उस संघर्ष में कोई मतलब नहीं था, यानी जो तोड़फोड़ हुई, उपद्रव हुआ, उससे उनका कोई मतलब नहीं था, उन लोगों की मैं बात करूं तो स्थिति इतनी भयानक है कि जब हम कोर्ट में सोमवार को बेल एप्लीकेशन लगाई थी तो संडे को एक महिला, एक जो एक व्यक्ति हैं जो इसमें आरोपी हैं, उनकी वाइफ को संडे को ही प्रेगनेंट बच्चे को जन्म दिया उन्होंने, और वो आज जेल में है। उनकी उनके परिवार वाले बड़ा रो रहे थे कि जिस समय बच्चे का जन्म हो रहा है उनका पिता जेल में है। दूसरी चीज़, एक व्यक्ति ऐसा भी था जो, क्योंकि जब हम केस को हैंडल कर रहे हैं तो लगातार हमारे पास संपर्क आए, फ़ोन आए, तो एक व्यक्ति का परिवार में एक ही, उस व्यक्ति का अकेला बच्चा है, उसकी भी टीबी है और बहुत बिगड़ी हुई हालात में, और वो अकेला व्यक्ति था जो उसे ले जाके अस्पताल ले जाता था। आज उसकी हालत, आज वो जेल के अंदर बच्चे की कोई देखने वाला नहीं है। आपने देखा होगा हाल में एक महिला, एक लड़की है जो अपने भाई के लिए लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही है। अब देखिए, उसके परिवार में आठ लोग हैं, आठ लोगों में अकेला घर चलाने वाला व्यक्ति था वो जेल में, और बहन पूरा जोर लगा रही किसी तरह उसे बाहर निकलवाया जाए हमारे साथ, क्योंकि उनका पहले वकालतनामा किसी उन्होंने साइन करा लिया, अब वो हमसे कह रहे हैं कि आप हमारे उस केस को आप भी हैंडल करिए। तो स्थिति इतनी भयानक है। एक व्यक्ति आता है जो इस आंदोलन में से, बहुजन समाज के इस आंदोलन में जुड़ता है, कहता है मेरे अपने गुरु का स्थान मैं वापस लूँ, वो अपने चार दिन के बच्चे को छोड़ के आता है। उनके परिवारों को उनकी चिंता नहीं हो रही, क्या स्थिति क्या भयानक होगी। हमारे चंद लोग सिर्फ राजनीति के लिए हमारे समाज के बच्चों की बलि चढ़ाने के पीछे नहीं हटते, लेकिन एक बार उन परिवारों से तो बात कीजिए। वो कह रहे हैं कि एक महीने में, दो महीने में, तीन महीने में छुड़वा देंगे। तो साहब, एक महीने, दो महीने, तीन महीने में आप अंदर रह सकते हैं, क्योंकि आपको नेता बनना है। कौन राजनीति कर रहा है? सर, कुछ लोग हैं, और सभी को पता है, सोशल मीडिया पे सब चल रहा है, जो कह रहे हैं कि हम सब लड़ रहे हैं, हम 96 लोगों के हुए हैं, और जबकि हकीकत यह है कि जब हम कोर्ट में थे, क्योंकि हमने 48 लोगों की बेल एप्लीकेशन लगाई थी सोमवार को, और मंगलवार को हियरिंग हुई थी, मंगलवार को सिर्फ एक छोटे से बयान पर उन लोगों की जमानत रोक दी जाती है और उसकी तारीख आगे बढ़ा दी जाती है। क्या कहते हैं कि इन लोगों ने फिर 5 तारीख के भारत बंद की कॉल दे दी है। अब एक बात बताइए, एक तरफ आपके समाज के बच्चे अंदर हैं जो आपके लिए हमेशा समर्पित और त्याग कर रहे हैं, उन बच्चों की इस समय प्रायोरिटी होनी थी जमानत पे उसे बाहर निकालना, उनके परिवार यही तो अभिलाषा आपसे रख रहे हैं सिर्फ कि वो बच्चे बाहर आ जाएं, लेकिन आप लोग फिर से उन्हें एक कह देते हैं, और जब आईओ से रिपोर्ट ली जाती है आईओ कहता है कि वो दोबारा करेंगे, अगर बाहर आ गए ये लोग तो उत्पात मचाएंगे, फिर सड़कों पर करेंगे, तो इनकी जमानत को भी रोक दिया जाए, कोर्ट में रोक दी जाती है। वहीं पर एक नेता ये कह देते हैं जी हाँ हमें गर्व है, हमने किया, 96 बच्चे गए तो गए, वो इतनी बड़ी बात कह देते हैं। यानी आपकी राजनीति के लिए समाज के बच्चों की बलि चढ़वा दीजिए। आप एसी के कमरों में बैठे हो, आपके परिवार के लोग आराम से घर में बैठे हैं, आप रोज़ शाम को अपने बच्चों की शक्लें देखते हो, लेकिन क्या वो जो अंदर लड़के अंदर बैठे हुए उन्हें अपने बच्चों के शक्लें देखनी सही नहीं लगती क्या? तो इस समय प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि समाज के बच्चों को बाहर निकाला जाए, ना कि उस पर राजनीति की जाए। फिलहाल गुरु स्थान की बात चल रही है तो वहाँ पे उसके लिए आप कितने अडिग हैं और अभी तक अपनी मांगों के लिए वहीं टिके? देखिए, हम अभी तक पीछे नहीं हटे, हम क्लियर बता रहे हैं, लेकिन हमने पहली प्रायोरिटी, गुरु स्थान हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन इस समय वो बच्चे जो अंदर जेल में हैं उन्हें उनके घर तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है पहली बार, क्योंकि वो जब समाज के लिए आए थे तो समाज की जिम्मेदारी बन जाती है उन बच्चों को उनके घर तक पहुंचाना। तो हमारे रविदास जी जो हमारे, देखिए हमारे रहबर हैं, हम उन्हें अपमानते हैं, सम्मान करते हैं और हमारे उसमें हैं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी इस समय करंट में हमारी जो रविदास गुरु स्थान है उसे तो वापस लेना है, लेकिन उससे पहले हमारी प्रायोरिटी इस समय समाज के जो बच्चे जेल में उन्हें बाहर निकालना है। अभी मानते हैं जो सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है, सरकार की आखिर क्या मंशा है इस झमेले में फंसाने के लिए? देखिए, जब जब बहुजन समाज आगे बढ़ता है, अपनी आवाज़ को उठाता है,
तो सरकार के कुछ लोग तथाकथित लोग जो है हमेशा दबाने की आवाज़ को कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि आज हुआ है या हमेशा होता हुआ है, लेकिन हमें अब 19 तारीख का हमने बंद किया था दिल्ली में, हमारे पे लाठीचार्ज, मेरा पैर इंजर्ड हुआ उस समय, बहुत ज़्यादा चोटें आई थी और मैं उस समय अस्पताल में भी एडमिट रहा था, सारे मीडिया बंधु को सबको पता है उस समय का, लेकिन हमारे किसी भी लड़के ने उपद्रव नहीं करा था, किसी गाड़ी को तोड़फोड़ नहीं करी थी, हमने ये एक ही बात कही थी, हमारी लड़ाई शासन और प्रशासन से, ना कि वहाँ पे नॉर्मल जो लोग रहते हैं उनसे हमारी लड़ाई है। मैं पूछना चाहूँगा, क्या वो लोग आइडेंटिफाई हुए जो लोग गाड़ियाँ तोड़ रहे? देखिए मैं सीधी बात बता रहा हूँ कि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए, कोर्ट के अंदर क्लियर करा गया, अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए। 3 तारीख को सबूतों के साथ उन्हें कोर्ट में बुलाया गया, आईओ को कहा है कि आप जो वीडियोग्राफी आप लोगों ने बनाई उसे लेकर आए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं आइडेंटिफाई होने का वहाँ पे रहता ही नहीं है, क्योंकि जो उपद्रव करने वाले लोग थे वो बाहर की साइड में, अगर आप वीडियो देखें बाहर की साइड में थे, और ये जो लोग थे सिर्फ अपने गुरु स्थान पे सिर्फ उसका देखने गए थे, तो वहाँ पर जो लोग नहीं जा पाए उनको उन्हें जानकारी नहीं होगी, 2 बैरिकेड के बीच में उन्हें रोका हुआ था जो शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। कहीं ना कहीं आप इसको ऐसा मानते हैं क्योंकि माइनॉरिटी न्यूज़ ने सबसे पहले अपनी वेबसाइट पर न्यूज़ ब्रेक करी थी कि आखिर ये जो उपद्रवी थे क्या ये इसी प्रोटेस्ट के अंदर शामिल थे या कहीं बाहर के उपद्रवी तो नहीं थे? ये हमने बहुत बड़ा सवाल उठाया था कि इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है कि जो लोग दलित और पिछड़े समाज के लोग अपने मंदिर के लिए, अपने गुरु स्थान के लिए जो आवाहन कर रहे हैं उस प्रोटेस्ट को, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश तो नहीं? देखिए इस बात को मैं हम लगातार कहते रहे, लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ निकल के आती है, मैं माफ़ी चाहूँगा, कहना नहीं चाहता मीडिया माध्यमों से, लेकिन फिर भी कहूँगा, यदि हमारे खुद घर के नेता, बड़े नेता जो होंगे, अगर ये कहेंगे हाँ हमने किया है, हमने किया है और उसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं और 96 गए तो गए, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि वो जो वहाँ पर जो मीडिया पुलिस वाले लोग हैं, चाहे आईबी के और इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, क्या उनको आपकी पोस्ट पर उनकी नज़र नहीं जा रही? और इससे कहीं ना कहीं आपकी तो राजनीति चमक जाती है, आप आराम से उस पर अपनी राजनीति चमका सकते हैं, लेकिन जो समाज के बच्चे उनके जो अंदर हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए अपनी जवान को भी काबू में रखना सीखिए। मेरा आखिरी सवाल, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी पूरी तरीके से जिम्मेदारी निभा रहा है? सर ये सवाल आपने ऐसा कर दिया है कि हर व्यक्ति जानता है मेन स्ट्रीम मीडिया वो दलाल है, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, थोड़ी जवान कड़वी है ये, वो दलाल है, अगर लाखों की तादाद में भी बहुजन आ जाएंगे तो ये लोग नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर ये 5 चंद मनुवादी भी आ जाएंगे ना तो उनके तलवे चाटने के लिए पहुंच जाएंगे, और इसलिए और ये 5 लोगों को भी दिखा देंगे उनके तलवे चाटने के लिए, लेकिन अगर बहुजनों के लाखों के आंदोलन होगा उसे अभी कोई दिखाने को तैयार नहीं है। आपने देखा 19 तारीख का इतना बड़ा आंदोलन हम दिल्ली में करा, उसके बाद 21 तारीख का उससे बड़ा व्यापक हुआ, उसे भी किसी ने नहीं दिखाया, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात रहे हैं। और ये जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, ये चाटुकार मीडिया, दलाल जिसे हम बोलते हैं, अगर ये आने वाले समय 2-4 साल नहीं सुधरा तो मैं कह रहा हूँ इनका खुद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसे बहुजन मीडिया उसे ख़त्म कर देगा। जी आपका क्या कहना है इसी पर? जी मेरा तो यही कहना है कि जो हमारा जो ये रोड प्रदर्शन हुआ है आज, उसके लिए हमें है ना मंदिर हमें वही चाहिए बस, हम तो मीडिया के ऊपर सवाल पूछना चाहते हैं। मीडिया जी वो जो हमें कवरेज दे रहा है वो सिर्फ बहुजन मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसको तो है ना कहीं दिखने को भी नहीं मिलता है। उस आप 21 तारीख की घटना को देख लीजिए, 21 तारीख की घटना में क्या हुआ कि एक अखबार ने ये लिखा कि 5,000 लोग वहाँ पे मतलब उपस्थित थे, लाखों की संख्या को जो 5,000 बता रहा है तो वो तो बिल्कुल सर से झूठ है। हाँ वो हाँ भाई हमारा तो ये कहना, हमारा गुरु घर बनना चाहिए। देख भाई हम यहाँ नहीं चाहे रात रहो दिन रहो, हम यहीं रहोगे यहीं मरेंगे यहीं गड़ेंगे, हम अपने घर भी नहीं जाना, हम उस दिन के यहीं पड़े भाई दिल्ली में ही, पानीपत्ता में हरे भाई, देख पूरे हरे मारे और भी हरे बहुत सारे बंदे, और हम इतना भाई यहीं रह गए, इतना कुछ समाधान नहीं होता मीडिया के ऊपर। तो मीडिया तो ऐसे ही, अगर पहले दिन से अगर ये चल रहा होता प्रोग्राम, जैसे इनके बार बार इनके मिनिस्टरों के पास गए हैं या सबको लेटर दिए हैं, पीछे ये प्रोसेस कम से कम 1 साल से हो रहा है ये, और पहले ये कुछ नहीं था, यहाँ कम से कम 20 ईयर्स से, लास्ट 20 ईयर्स से मतलब ये प्रोग्राम वहाँ पर सेंट्रल कमेटी जो दिल्ली की थी, ये रविदास जयंती की, वो सारे मनाते थे वहाँ पर, और कोई उसमें कुछ नहीं होता था, और वहाँ सारा सब कुछ ही था, सारे गांव के लोग आते थे, बस अब ये इसको कंस्ट्रक्शन नहीं करने दिया इनको दिल्ली गवर्नमेंट ने, ना DDA ने, और प्रॉपर उसकी जगह की बाउंड्री दी ऑलरेडी दे रखी है। राजनीति हो रही है इसके ऊपर, राजनीति कर रहे हैं पूरे जोर से, राजनीति हो रही है, लोगों को ध्यान भटका जा रहा है, भटकाने के लिए किस चीज़ से ध्यान भटकाया जा रहा है भाई? केजरीवाल को ही देख लो, उस दिन केजरीवाल कहाँ सो रहा था, इवनू कह मैं उसके बदले मैं 100 एकड़ जमीन दे दूंगा, बता वो 5 एकड़ जमीन तो दिए जा रही यहाँ की सरकार, केजरीवाल को पता नहीं था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आज केजरीवाल भी आज भी इसके बीजेपी वाले भी आकर कह रहे कि भाई हम क्या कर रहे हैं, नहीं हम रविदास मंदिर यहीं बनागा, इब क्यों कह रहे ये अजीब रविदास मंदिर को तोड़े गए, अजीब कहाँ थे ये? 21 तारीख को हर 21 तारीख को इतना बड़ा आंदोलन, वो हम 1 बजे चले
मैदान था, उस मैदान था 1 बजे चला, हम 8:30 बजे जाकर वहाँ पहुँचे। मन्ना खुद अपने को तो सारा सीन देखा भाई, वो देख मेरा लगा नहीं वहाँ, मैं ये कह दूँ वहाँ जो लट्ठी बरसाई गई पुलिस प्रशासन की तरफ से, पहले लट्ठी चार्ज हुई, फिर क्या कराया वहाँ उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े, और जी क्या कराया गोलियाँ भी छोड़ दी उन्होंने, और क्या कराया वे जो बेचारों को उन्होंने भाई सबको वैसे ही अपना भर लिया, गाड़ी में भर लिया उन्होंने, तो अपना जो कोई उनके हाथ लगा उन्होंने भर लिए, और लट बजाने वालों ने उन्हीं के बंदे थे जो भी था हमारा, मतलब बहुजन पार्टी का उसका कोई नहीं था, शांति प्रिय तरीके सब से। हम 1 बजे से लेकर हम 25 किलोमीटर हमें पैदल चलाया गया, हमने रास्ते में कहीं तोड़ फोड़ नहीं करी, कुछ नहीं करी, हम वहीं जाकर हम अपने रविदास मंदिर के पास जाए ले जा, और मेरे दिल में वो थी भाई हम भी अपना वो देखा भाई क्या है क्या नहीं है, और वहाँ उल्टा लट मेरे पे ही बजा दिया, उल्टा लट मेरे पे ही बजा दिया, लोगों ने कहा कि आरती करनी है हम शाम को, हमने वहाँ तक जाने दिया जाए, अभी दीवार बना रखी है, दीवार को इन्होंने प्रॉपर मंदिर बना रखा है, और पुलिस फोर्स लगा रखी है, उनको वहाँ आरती नहीं करने दी, नहीं दी उनको, और जो पंजाब से जो हरियाणा से जो लोग आ रखे थे उनको इन्होंने सिर्फ रामलीला ग्राउंड तक ही रोका, अगर वो प्रॉपर अगर ये यहाँ का सारा छोड़ के अगर तुगर का बाद अगर उन्होंने रखा होता प्रोग्राम, तो आज के डेट में वो मंदिर वहाँ पर बन भी गया होता। इतना ये पक्का दावा है हमारा, अगर ये प्रोग्राम रामलीला मैदान में ना होता वहीं पे ही होता, तुकलुंगा बाद में होता, तो रविदास मंदिर ब्लॉक का कदी का बन गया होता। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि इस वक्त यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनका साफ तौर से कहना है कि अगर हमारे प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश नहीं की गई होती तो गुरु स्थान तुकलुंगा बाद में बन चुका होता, ये बागी तेवर हो सकते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए, लेकिन सच में जो दिल से बात निकलती है, जो दिल पे दर्द होता है, वो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। कैमरा पर्सन सलीम के साथ मैं आसिफ खान, माइनॉरिटी न्यूज़ के लिए दिल्ली के जंतर मंतर से।